द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ी आच में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी शिव जी को याद आया कि उनके पास अर्षि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड्डी है। अर्षि दधीचि वही महान अर्षि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए व्रज का निर्माण किया था। शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप व बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। भगवान विष्णु को किसने दिया था सुदर्शन चक्र? एक बार भगवान विष्णु शिवजी का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना शुरू की। वे हजार नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान है, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीहरि के समक्ष प्रकट होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई और अस्त्र नहीं होगा। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इससे देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। तब से यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी बैंकुट चतुर्दशी के नाम से प्रचलित हो गई। इस दिन विष्णु पूजन उपरांत शिव पूजन करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।